आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जितने भी बैक पेपर हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिना परीक्षा के सभी विद्यार्थियों को पास करने की मांग। दोस्तों, यहाँ पर जो चौधरी महेंद्र सिंह थे, इन्होंने भारत सरकार से यहाँ पर मांग रखी है कि आईटीआई के जितने भी सप्लीमेंट परीक्षार्थी हैं उन सभी को उत्तीर्ण किया जाए, मतलब बिना परीक्षा के ही पास किया जाए। तो आखिर क्या है इस वीडियो में, आइए हम जानते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा एक दूसरे के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटीआई सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में बिना परीक्षा उत्तीर्ण करने की मांग। बिना परीक्षा दिए गए विद्यार्थी हो जाएंगे पास। जी हाँ दोस्तों, अगर ये लागू होता है नियम तो बिना परीक्षा के ही सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें सब कुछ लिखा है, उसके बाद आपको हम कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आईटीआई सप्लीमेंट परीक्षाओं में उत्तीर्ण किए जाए, यहाँ पर मांग रखी इन्होंने है। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर व्यावसायिक सप्लीमेंट्री में शामिल होने वाले छात्रों को पिछली परीक्षा के आधार पर पासिंग अंक के आधार पर उत्तीर्ण करने की मांग की है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पिछली बार परीक्षा हुई है उसी के आधार पर इस बार विद्यार्थियों को पास कर दिया जाए बिना एग्जाम के। इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या क्या और लिखा था अपने पत्र में, प्रधानमंत्री को भेजे अपने साथ गोपनीय सूत्रों में चौधरी महेंद्र सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल से होने वाली परीक्षा व्यावसायिक सप्लीमेंट्री कोरोना वायरस के कारण निरस्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पत्र में दिया गया है कि बिंदियों को संज्ञान लेते हुए उपयुक्त परीक्षा में शामिल हमारे देश के सभी विद्यार्थियों को पिछली अंकों के आधार पर पास कर दिया जाए। यहाँ पर इन्होंने ये भी बात कहा था कि उन्होंने आगे यह कहा था कि कोरोना वायरस के कारण देश में संकट की घड़ी CBSE बोर्ड और UP बोर्ड जिस तरह 8वीं तक के विद्यार्थियों को पिछले अंक के आधार पर पास कर दे रहे हैं, उत्तीर्ण कर दे रहे हैं, उसी तरह व्यावसायिक परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण कर दिया जाए। उन्होंने यह कहा कि विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के कारण देश में बहुत बड़ी संख्या में कुशल कारीगर मिल जाएंगे और बहुत लोगों को बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, देश में कौशल विकास आगे बढ़ेगा, इन्हीं कारणों उनको उत्तीर्ण कर दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चौधरी महेंद्र सिंह थे, इन्होंने यह भारत सरकार को पत्र लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आधार पर उनको पास कर दिया जाए। जो आपकी पिछली सेमेस्टर हो या फिर पिछला जो ईयर हो जिसमें आपको नंबर मिले हैं उसी के आधार पर आपको अगले भी नंबर दे दिया जाए और इसी तरह आपको प्रमोट कर दिया जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, इस चैनल को लाइक करिएगा। अगर यह लागू होता है नियम तो सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे बिना एग्जाम के ही, और जो पिछले अंक पाए हैं उन्हीं के आधार पर उनको अंक प्रदान कर दिया जाएगा, तो बिना परीक्षा के सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह जो नियम है सभी विद्यार्थियों पर लागू हो जाए। थैंक यू।